निकाल दो इसको है? तीसरी कहाँ है, तो एक और दे, वो पड़ी, वो भी दे मुझे है? ये दीदी पहननेगी है? दीदी पहननेगी इसको, दीदी पहननेगी है? और तू बाबा बन गया है? ए ले देख पैरो, ए ऐसा ये पहन ली निकाल दे ऊपर को, ऐसे ही ऊपर को निकाल लो, देखो निकली। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो मैं हो गई हूँ तैयार जाने के लिए, कहाँ पे? अपनी बहन के घर। और पीयू रूही भी तैयार है जाने के लिए, और कृष्णा सुबह का ही गया हुआ है उधर ही। तो देखिए ये जो पेड़ है ये हमने यहाँ पे लगा दिए हैं पौड़ियों में सीधे, तो यहाँ पे ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं बजाय नीचे वाली पौड़ियों के। और यहाँ पर इनको थोड़ा सा जो ऊपर जाल है ना, तो यहाँ से धूप हवा पानी सब कुछ इनको मिलता रहेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। और कृष्णा के डैडी अभी कर रहे हैं काम, तो उनसे अभी पूछना बाकी है, परमिशन नहीं ली है उनसे मैंने, तो काम कर रहे हैं ये। हेलो हेलो, कार की तैयारी हुई? मैं उधर जाऊँ आंसू के पास। क्या हुआ? कहीं कुछ हो रहा था, बीज हक रहे, वैसे ही जा रही, मन कर रहा था मेरा शायद ये जा रही, मारे इलायची खत्म हो गई। अच्छा, तो वहाँ है इलायची, वहाँ का उधर ही चाय बनी हुई पी लेंगे, वैसे ही जा रही, मन कर रहा था, मन का टाइम है अभी। एक तो दूध ले आइयो मामा, निकालना शिवरात्रि है परसों को, उसके लिए मामा 3-4 किलो ले आइयो दूध, जितना भी आपके बजट में मुनासिब होता हो उतना। तो बस हाँ, ये भी जा रही, दोनों कृष्णा तो उधर ही है, तो बस फिर मैं जा रही, थोड़ी देर में आ जाऊंगी, तो फिर खाना वाना बना के फिर मावा निकालूंगी। हाँ आ जाऊंगी, 1 घंटा 1.5 घंटा, जितना भी मेरे पास पंजरी नहीं बनानी आती, पूछूंगी आंसू को बनवा देगी, तो मेरे पास सारे काम आवे, मेरे पास पंजरी नहीं बनानी आती बस। कोई नहीं, मैं सिखा दूंगा आज, यही बना लेंगे। आज तो मैं काम कर रहा हूँ, आज बड़े दिनों बाद। चलो कर लो, हम नहीं आपको तंग कर रहे, तो चलो भाई हम चल रहे, ये तो छोड़ गए नहीं आने के, इन्होंने तो बता दिया कि ये बिजी हैं, तो बस चल रहे हम सारे के सारे, खाना को ले लेते। तो बस मैं अब आपको मिलूंगी अपनी बहन के घर पे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, तो फिर चलते हैं। तो जी हम आ गए हैं बहना के घर, और बहना के साथ साथ बेटी भी मिल गई। ओ भाई बंद हो जा, अंधेरा हो जा यहाँ से, देख लो हम सारे कितने कमेरे, सारे के सारे काम पर लगे ही रहे, लगे ही रहे। नमस्ते जी। नमस्ते, यो कन्नो पता तो तार लो ऐसा लग रहा है जैसा लग सब मुकुट बांध रखा हो सिर पे क्या बना लिया, बहुत बढ़िया खा रखी है, तो जी मैं बनाने लगी हूँ रोटी, चाय वगैरह पी ली थी, सब्जी आंसू ने बना दी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलिए रोटी मैं बना देती हूँ। आंसू कहने लगी कि यहीं पे ही खाना खा लेना सब के सब, तो बस मैं रोटी बना रही हूँ और बाकी सब खा रहे थे। तो फिर कृष्णा के डैडी भी आ गए थे, बाद में काम कर रहे थे वो पहले, तो वो आए भी थे हमें लेने के लिए ही, क्योंकि हो गया था 1.5 घंटा निकल गया था, और दूध वगैरह आ गया था घर पे, ले आए थे वो, तो मिठाई बनानी थी। तो लीजिए जी आ गई हूँ मैं घर पे, और चूल्हे में आग कर दी है, आज कढ़ाई नहीं कढ़ाया रखा है हमने, क्योंकि जो मिठाई है दूध है वो थोड़ा ज़्यादा था, तो वो जो मेरे पास कढ़ाई है वो छोटी थी, तो इसीलिए आज हमने कढ़ाया चढ़ा दिया यहाँ पे। और ये दूध लगभग 4 किलो दूध था, लगभग नहीं 4 ही किलो दूध था,
तो बस चूल्हे पे ना मावा जल्दी जल्दी निकल जाता है, क्योंकि आग तेज होती है, आंच तेज होती है, तो जल्दी जल्दी निकल जाता है। और यहाँ कृष्णा को देखे, कृष्णा बार बार कढ़ाई को पकड़ता है, क्योंकि इसको लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। देखिए, तो बस यहाँ पर दूध में उबाल आ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं जो लौकी है उनको छील लूंगी। तो उबाल आ गया है, अब इसको कंटिन्यू नहीं चलाना होता, तो बस अब ये पकता रहेगा खुद से। और बस जब तक ये पकेगा तब तक लौकी मैं छील लूँगी, कद्दूकस कर लूँगी। तो देखिए, यहाँ पर दूध मैंने लिया है 4 किलो और लौकी जो है वो है 2 किलो। तो मैंने जानबूझ के ही कम लौकी रखी है, क्योंकि मुझे अच्छी नहीं लगती वो जो लौकी लौकी सी ही नज़र आती रहती है, मावा कम नज़र आता है पंजरी में, तो इसीलिए मैंने हाफ क्वांटिटी रखी है। तो 4 किलो दूध है, 1.5 किलो, नहीं सॉरी, 2 किलो लौकी है, और इसमें मैंने 1.5 किलो के लगभग बाद में चीनी का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, लौकी को छील कर मैं कद्दूकस कर लूँगी और इनको पानी में धोकर फिर मैं निचोड़ के रखूँगी। पानी में धोने का रीज़न ये है क्योंकि जो लौकी है, आपने देखा भी होगा, इनको काटते हैं या कद्दूकस करते हैं तो ये काली काली सी होने लगती है, तो इसीलिए बस मैं इनको बाद में धो के निचोड़ के रख दूंगी हाथों से, जिससे कि जो लौकी का स्टार्च है, कालापन है, वो निकल जाए। तो उधर दूध का मावा भी निकलने लग रहा है और इधर लौकी भी मैंने कद्दूकस कर ली है, तो बस इनको धोकर फिर मैं इनको निचोड़ लूंगी सारियों को हाथों से दबा दबा के। तो जी, जब मैं कर रही थी काम, तो देखिए आ गई है मेरी बहन भी। हालांकि ये जो हम ये पंजरी बनाने वाले हैं, ये इसको भी बनानी नहीं आती है लौकी वाली, लेकिन फिर भी हम दोनों ने पूछ पूछ के बना दी है। तो देखिए, मावा निकल गया है, मावा हो गया है तैयार। तो अब इसको हम उतार देंगे नीचे और इसको हल्का सा ठंडा करके दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे इसमें से, और इसी कढ़ाई में हम रख देंगे लौकी उबलने के लिए। फिर तो वापस से कढ़ाई चढ़ गई है, और कढ़ाई नहीं, कढ़ाया चढ़ गया है। तो यहाँ पर जो लौकी है उसको डाल के हम पहले इसका सारा पानी जलाएंगे लौकी का, क्योंकि जो लौकी है वो भी पानी छोड़ेगी फिर, और साथ के साथ चीनी इसमें डाल देंगे तो उसका भी पानी निकल जाएगा बहुत सारा, तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए जब भी आप कभी लौकी की पंजरी बना रहे हैं, तो कोशिश करें कि पहले जो लौकी आपने कद्दूकस करके रखी हुई है उसका सारा पानी आप जला लें, और उसके बाद आप इसमें चीनी ऐड कीजिए। और चीनी में मतलब पानी मत डालिए, क्योंकि लौकी में फिर भी थोड़ा बहुत पानी बची ही जाता है, या चीनी भी फिर पानी छोड़ती है। और ये देखिए, आप इसको बस कंटिन्यू चलाते हुए तब तक भूनिए, मतलब चीनी और लौकी को तब तक पकाइए जब तक कि जो चीनी है वो मतलब अच्छी तरीके से लौकी में अब्सॉर्ब ना हो जाए। तो देखिए, हमारी जो चीनी है वो बिल्कुल, मतलब लौकी और जो चीनी है वो बिल्कुल सूख चुकी है। तो कढ़ाई नीचे उतार के अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मावा ऐड कर देंगे। और देखिए, जब मैंने लौकी उतारी है गैस, सॉरी चूल्हे से, लौकी और चीनी, तो मतलब बिल्कुल सूखा सूखा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें मावा ऐड करते जाएंगे तो जो पंजरी की ये है, ये थोड़ी सी लूज होती चली जाएगी, ढीली होती जाएगी। तो देखिए कितनी लूज हो गई है, अच्छी तरीके से मावा, चीनी और लौकी मिक्स कर ली है। और उधर 2 परात में मैंने लगा दिया है घी, जिनमें कि हम इनको जमाएंगे पंजरी को। तो देखिए बस, और पहली बार हम दोनों ने बनाई थी ये पंजरी, और थक भी बहुत गए थे सच में। 4 बजे की मैं लगी हुई, 6, 6:30, 7 बज गए थे इसी को ही करने में, क्योंकि इन चीज़ों में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, मावा निकालने में भी और बनाने में भी। और वो शुक्र कीजिए कि यहाँ हमारे पास चूल्हा है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी हो गया, अगर गैस पर बनाते तो बहुत टाइम लग जाता। तो देखिए, थालियों में लगा दी है मैंने पंजरी जमने के लिए, इसको हम रख देंगे अब जमने के लिए। तो जब तक ये ठंडी होंगी, जमेंगी, तब तक पी लेंगे चाय। तो चाय गुड्डू बना रही थी, गुड्डू मेरी भांजी है, आपको पता ही है, अच्छी चाय बनाती है वो। तो बस हम दोनों ने थकान उतारी थोड़ी सी चाय पी के, और फिर टाइम हो गया था, उसको भी घर जाना था। तो बस चाय पीने के बाद फिर मैंने जो पंजरी है वो काट दिया, और देखिए पंजरी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट हो रही थी खाने से पहले, मतलब पता लग जाता है। मैंने पहले भी बताया था कि कई चीज़ों का ना देखने से पता लग जाता है कि वो कैसी बनी होंगी कैसी नहीं। तो देखिए, पंजरी मैं रही हूँ काट, जब ये थोड़ी सी सॉफ्ट थी तभी मैंने इसको काट दिया था, और ये लीजिए, ये आप लोगों के लिए है। तो बस मैं निकाल के इनको रख दूंगी दूसरे बर्तन में, क्योंकि ये व्रत के लिए है, बस थोड़ा सा इसमें से भगवान जी के लिए चढ़ा के निकाल के बाकी को मैं रख दूंगी। इसको मैं शिवरात्रि वाले दिन ही फिर पूजा में यूज करेंगे, मतलब व्रत के लिए बनाई है मैंने, तो पहले भगवान जी को ही।
तो बस फिर बहन चली गई थी, पीहू रूही भी उसी के साथ चली गई थी उधर। यहाँ पर मैं, कन्हैया और इसके डैडी कृष्णा के, और कृष्णा हम ही यहाँ पर रह गए थे। तो मैंने हम सबके लिए रोटी बनाई, सब्जी जो है वो बहन ने भेज दी थी उधर से ही, दोपहर की सब्जी बची हुई थी ज़्यादा। तो वो कहने लगी कि चलो मैं सब्जी भेज दूँगी, तुम रोटी बना लेना। तो मैंने रोटी बनाई, उसके बाद हम दोनों ने खाई। तो बहुत टाइम के बाद हम दोनों एक थाली में खा रहे हैं, नहीं तो अलग अलग ही खाते हैं। जब बच्चे होते हैं साथ में तो उनके साथ ही खाना खाते हैं, बच्चों के साथ ही। और बस इसके बाद मैंने अपने जो किचन के काम थे वो निपटाए, बर्तन वगैरह धोए, बर्तन हो गए थे जो खाने के, मांजे धोए। और पहले ही भी मैंने जैसे जो चूल्हे पे बर्तन हो गए थे, परात कढ़ाई वगैरह, वो भी बहुत सारे हो गए थे, तो पहले मैंने वो मांज दिए थे, इसलिए बाद में इतने बर्तन नहीं हुए। और बर्तन धोने के बाद जो किचन के कपड़े होते हैं, हमारे यहाँ उनको छलने बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या बोलते होंगे, तो वो मैंने भिगो के रखे हुए थे सरफ में, तो फिर मैंने उनको भी धो दिया, क्योंकि मैं हर दूसरे तीसरे दिन इनको धोती रहती हूँ। और इनकी साफ़ सफ़ाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोटी वगैरह इनमें रखते हैं और तो कीटाणुओं का डर रहता है। तो जी कुल मिला के ये हो गया था मेरा किचन का काम। और अब रह जाता है सिर्फ दूध, मतलब दूध गर्म करना पीने के लिए रात को। तो यहाँ पर जो दूध है उसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी, ये कच्ची हल्दी है, जड़ बोलते हैं जिसको, हल्दी वो है ये, तो मम्मी ने भेजी थी ये गाँव से। और दूध में डाल के इसको पीते हैं तो मतलब हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी है। तो हम दूध में हल्दी को डालकर ही पीते हैं, इसको अच्छी तरीके से पका लीजिए तो जोड़ों के दर्द वगैरह, बॉडी पेन जो भी होता है वो नहीं रहता। और आप सभी को ही पता है कि हल्दी एक एंटीबैक्टीरियल है, मेडिसिन है, दवाई है, रोज़मर्रा भी दवाई खाते ही हैं, तो उसकी जगह हम लोग क्या अब हल्दी यूज करने लगे हैं। तो लीजिए जी, दूध वगैरह सब तैयार हो गया है हमारा। यहाँ से काटूंगा, काटो ना, आ जा दूध। कौन भी आएगा दूध? मैं तो थक गई हूँ, वो तंग हो गया, दर्द हो जाए। कौन भी आएगा दूध? दूध 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 दूध। हाँ आओ चलो, डुडू भी आएगा, शोई है। हल्दी डाल के लाई क्या? हाँ मम्मी भेजी थी ना गाँव में से, तो मेरे याद आ गई आज, मेरे जब टांग में दर्द हुआ ना तो फिर मेरे हल्दी याद आ गई, मैं हल्दी वाला दूध पी लो, आपको भी आराम देगा और मुझे भी। तो मैं ना आज बहुत थक गई थी, टांगों में दर्द बहुत हो गया। 4 बजे लगे थे हम पंजरी बनाने में, पहला मावा निकालने में 2 घंटे लगे, फिर पंजरी बनाने में 7 बज गए थे। टांगों में बड़ा बुरा हाल हो गया था। खैर जो भी हो, पर मेहनत सफल हो जाना तो दुख दर्द इतना नहीं लगता, लेकिन जब लेटने का टाइम आवे ना तो फिर सारे दुख दर्द दिखने लग जा। कृष्णा देख लो कितना पेचान हो रहा है, कितना पेचान हो रहा है। ले 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 ले, हल्दी वाला दूध, हल्दी ना बिल्कुल नहीं पीता, ऊपर का दूध ना बिल्कुल नहीं, ना कुछ खाता ना पीता। तो आप लोग मुझे जरूर बताइए कोई ऐसी टिप्स है क्या कि जिससे ये खाना शुरू कर दे। चॉकलेट चॉकलेट दे दो, चिप्स दे दो कृष्णा को। तो जी बस टांगों की हालत बड़ी खराब हो रही है, अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं आगे कुछ भी करूं। मैं दूध पी के अफीम सी चढ़ जा, दूध पीते ही ना मुझे दूध पीकर पूरी नींद आने शुरू हो जाए बस। फिर अब कृष्णा भी सोने को तैयार है। हाँ अफीम का टेस्ट लिया हुआ मेरे ख्याल से है ना। पता नहीं, बस सुना कि अफीम खा कर नींद आ जा, तो मुझे यूं लगे कि ऐसा ही कुछ होता होगा जैसा मुझे दूध पी के हो जा, ऐसा ही होगा, मैंने तो खाई नहीं कभी। खैर चलिए जो भी है, तो बस मेरा कृष्णा अब हो गया बहुत परेशान और मैं भी परेशान हो गई अपने कृष्णा को सुलाने के लिए। तो इसलिए बस शुभम टाटा बाय बाय करेंगे, फिर आएंगे दोबारा वीडियो लेके आएंगे।